एक्टर सोनू सूद को उनकी फिल्मों से ज्यादा उन्हें उनकी दरिया दिल के लिए जाना जाता है। बता दे, कोरोना काल के बाद से सोनू सूद की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, इन दिनों एक्टर समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक्टर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी हैं। वहीं एक्टर फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन शो को लेकर भी काफी एक्टिव हैं। बता दें, इस साल एक्टर को MTV रोडीज होस्ट करते हुए देखा जाएगा। इसी के साथ ही उनका एक स्टार्टअप शो भी आने वाला है, जिसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया शो को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसी कड़ी में अब ऐसा माना जा रहा है कि सोनू सूद का लेटेस्ट शो इसी से मिलता जुलता होगा। ऐसे में हो सकता है कि सोनू सूद के होने की वजह से शार्क टैंक को कड़ी टक्कर भी मिले। सोनू ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने नए शो को लेकर जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर में आप देख सकते हैं कि सोनू सूद ने व्हाइट शर्ट के ऊपर काली जैकेट और चश्मा लगाया है। एक्टर का लुक पोस्टर में काफी दबंग लग रहा है। एक्टर ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, आप सपने देखो, मैं उन्हें सच कर दूंगा। कुबेरन्स हाउस जल्द आ रहा है कलर्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, हिंदू पैरानॉमिक कथाओं में कुबेर को धन का देवता माना जाता है। सोनू सूद के शो का नाम कुबेर से प्रेरित मालूम पड़ रहा है। सोनू सूद द्वारा शेयर किए हुए इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, आप एक अच्छे दिल वाले अच्छे इंसान हैं। वहीं एक और फैन ने लिखा है, आप पृथ्वी पर भगवान के रूप में आए हैं। वहीं इसी के साथ ही कई फैंस ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही उनके लुक की जमकर तारीफ भी की है। वहीं दोस्तों, सोनू सूद के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में दिखाई दिए थे। फिल्म में वह चंद्र बरदाई के किरदार में नजर आए थे। फिल्म में अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था। खैर दोस्तों, क्या कहना है आपको सोनू सूद के नए शो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो भाई, हट जा, काम करने दो भाई, अभी काम करने दो भाई, अभी काम करने जा रहा हूं।